दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इंग्लिश के टोटल रिवीजन कर लेते हैं यूनिट वन से लेके यूनिट सिक्स तक। जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि टॉपिक क्या है और उसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा। और बहुत हद तक इस पूरे वीडियो से आपको हर एक क्वेश्चन टच हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इंग्लिश के बारे में ऑल इन वन संपूर्ण जानकारी करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 80 में 80 पूरा करके आना है। तो अवध विश्वविद्यालय का जो पेपर होने वाला है मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, तो हम शुरू यहीं से करेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो लैंग्वेज लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच द लैंग्वेज कैपेबिलिटी डेवलप्स इन ह्यूमन। ठीक है, तो भाषा की कैपेबिलिटी, योग्यता डेवलप होती है इंसानों में। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से भाषा की कैपेबिलिटी डेवलप होती है इंसानों में, ह्यूमन में। इन अदर वर्ड्स द लैंग्वेज लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस रिक्वायर्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड यूज वर्ड्स और सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट करेक्टली। कहने का मतलब यह है कि लैंग्वेज लर्निंग एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके माध्यम से ह्यूमंस रिक्वायर्स, इंसान ग्रहण करता है योग्यता टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, भाषा को समझने और उनके शब्दों और उनके वाक्यों को सही तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए सीखता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज आर फॉलोज। भाषा के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं? द लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव, इट्स अ क्रिएटिव, इट्स अ सिम्बॉलिक, सिस्टमेटिक एंड वोकल। तो ये हो गई लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लैंग्वेज की ओरिजिन, यानी कि लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो लैंग्वेज की उत्पत्ति के कुछ थीरीज दिए गए। इंपॉर्टेंट थीरी क्या है? द बोबो थीरी, फोफो थ्योरी, डिंग डोंग थीरी और यो ही हो थीरी। एक एक थीरी को स्पेशली एक्सप्लेन किया जा चुका है, मगर यहाँ पे बस पॉइंट्स याद रखिए। बोबो थीरी, फोफो थीरी, डिंग डोंग थीरी और यो हो थीरी होता है। इसको कहते हैं द ओरिजिन थियरी ऑफ अ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हो तो क्वालिटी ऑफ एन इंग्लिश टीचर, एक आदर्श शिक्षक के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले गुड पर्सनल अपीयरेंस होना चाहिए, क्लियर अपीलिंग वॉइस होना चाहिए, वो ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो और पंक्चुअल हो, और उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज की भी ज्ञान हो, द नॉलेज ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड द नॉलेज ऑफ को रिलेटेड सब्जेक्ट। दिस मस्ट हैव एन इंग्लिश टीचर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज What is the meaning of language? कि भाषा का मतलब क्या होता है? The language is an essential part of human life. The language is a system of a communication which consists of a set of a sound and written symbol which are used by people to convey their message and thought. कहने का मतलब कि भाषा क्या है भाई? एक essential part है मानव जीवन का। Language is a system of a communication. ये क्या भाई? Communication का एक system है which consists, जो कि संग्रह करता है क्या? Set of a sound, कुछ आवाज़ों का, लिखित सिंबल का, विच आर यूज बाई द पीपल, जो लोगों के द्वारा इस्तेमाल होता है उनके मैसेज, उनके संदेश और विचारों को कन्वे करने के लिए, एक दूसरे से दूसरे जगह पे स्थानांतरित करने के लिए। तो भाषा क्या है भाई? द लैंग्वेज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ अ कम्युनिकेटिंग विच कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ अ साउंड एंड रिटन सिंबल विच आर यूज बाई पीपल टू कन्वे देयर मैसेज एंड थॉट। समझ में आ रही है? बिल्कुल। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज देख लेते हैं दोस्तों। तो एलन ने कहा था कि लैंग्वेज इज मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट। और एक और देख लेते हैं, ओ जैस्पर्सन ने कहा था, अ सेट ऑफ अ ह्यूमन हैबिट द पर्पज ऑफ विच टू गिव एक्सप्रेशन टू थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हो गया लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट दोस्त हैं दोस्तों कि इंग्लिश लैंग्वेज की स्कूल करिकुलम में क्या इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस एंड प्लेस, मतलब महत्व और स्थान क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की इन स्कूल करिकुलम। तो देखिए, इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब ये ग्लोबली बोला जाता है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसके माध्यम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय में आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज का क्या मतलब? भारत खुद एक भारत में खुद इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इसके कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए, तो इंग्लिश से आप भारत के किसी भी राज्य में बात कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट देखते हो दोस्तों, इंग्लिश इज अ विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसको क्यों कहा गया है? इंग्लिश को मॉडर्न वर्ल्ड का विंडो कहा गया है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था कि नेहरू हैज राइटली सेड
English is our major window on the modern world. English is the window through which we can see the scientific technology, technological, agriculture and commercial development. कहने की बात यह है कि इंग्लिश के माध्यम से आप पूरे देश दुनिया में देख सकते हैं कि साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है. अब आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है, तो देखिए इंग्लिश के चार मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहले यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू थॉम्स द फोर स्पेसिफिक एम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग एट स्कूल स्टेजेस आर अंडरस्टैंड इंग्लिश स्पोकन, ओके, टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है, तो पहला क्या था भाई, स्पोकन इंग्लिश को समझना, और दूसरा समझ के इंग्लिश को बोलना, तीसरा क्या भाई, इंग्लिश को लिखना समझना, और चौथा इंग्लिश को लिखना. कहने का मतलब है टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, टू राइट इंग्लिश. दिस वॉज गिवन बाई थॉम्सन. ओके, सो दीज आर द फोर मेजर एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज इवैल्यूएशंस का मतलब, मूल्यांकन क्या होता है. अकॉर्डिंग टू हाना, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस Change in the behavior of all the student as they progress through the school is called evaluations. कहने का मतलब है कि as they progress through the school, स्कूल में जो भी उनकी प्रोग्रेस हुई है तो उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया है, इसी का एविडेंस गैदर करना, इकट्ठा करना, उसी का मूल्यांकन करना. तो अकॉर्डिंग टू हाना, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट As they progress through school is called evaluation. The types of evaluation की बात करते हैं. देखिए types of evaluation की बात करें तो कई basis पे evaluation को आप classified कर सकते हैं. According to the function, the evaluations are four types. कौन कौन सा, placement, formative, diagnostic और summative. और according to approaches, formative and summative. And according to the nature, reference, नॉन रिफरेंस एंड क्राइटेरियन रिफरेंस. मगर आपको ये दो चीज़ें मुख्यतः पढ़ना है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, और एक और पढ़ना है डायग्नोस्टिक. ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को पढ़ना है, ये वाला फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव. ठीक है, तो अगर टाइप्स पूछता है तो ऐसे लिखिए. आइए वन बाई वन देखते हैं. व्हाट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, जब कोई कार्य चल रहा होता है, ठीक है, तो कार्य को पूर्ण होने से पहले जब आप मूल्यांकन करते हैं इस मकसद से कि उस शिक्षण में, उस कार्य में आप इम्प्रूवमेंट ला सकें, तो उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं. ठीक है, तो देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रेफर टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम. समझ में आ रही बात, इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है. तो द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रेफर टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस एक्सेट्रा बाय इवैल्यूएशन. ठीक है, अब देखिए इनफॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, द क्वालिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और अ प्लान असेस्ड सो दैट इट कैन बी मेड मोर यूजफुल एंड इफेक्टिव. तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी एजुकेशनल प्रोग्राम या प्लानिंग या प्रोसेस को और इम्प्रूव करने के लिए कोई इवेल्युएशन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. और ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कब होता है, हमेशा स्टार्ट में होता है या फिर ऑन गोइंग प्रोसेस में होता है. ठीक है, अब आइए बात करते हैं समेटिव इवेल्युएशन. समेटिव इवेल्युएशन कब होता है, समेटिव इवेल्युएशन ऑलवेज खत्म, लास्ट एंड में होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लास्ट में होता है. क्यों, इसमें यह देखा जाता है कि पूरे साल क्या आपका आउटपुट निकल के आया, इसको परिणात्मक भी कहते हैं. एक रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए इसको समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं. आइए पहले देखते हैं होता क्या है. द समेटिव इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस टू प्रोवाइड नॉलेज हाउ सक्सेसफुल द टीचिंग प्रोसेस वाज. समझ में आ रही बात, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि यह ज्ञान कराता है कि टीचिंग कितना सक्सेसफुल रहा, इसीलिए इसको हमेशा लास्ट में कहा जाता है. दिस ऑलवेज हैपेंस आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के बाद होता है. समेटिव इवेल्युएशन इज डन इन द फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग. ये क्यों होता है भाई, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, कहने का मतलब अधिगम का इवेल्युएशन है, लर्निंग का इवेल्युएशन है, जबकि फॉर्मेटिव क्या था, इवेल्युएशन फॉर लर्निंग. समझ में आ रही बात, ये था इवेल्युएशन फॉर लर्निंग और यह है इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग. ठीक है, अब देखिए इट फंक्शन टू प्रोवाइड ग्रेड्स एंड रिजल्ट. ठीक है, थ्रू दिस द स्टूडेंट गेट टू नो हाउ मच इंप्रूवमेंट हैज बीन डन बाय हिम और हिन. समझ में आ गई बात, ये हमेशा लास्ट में किया जाता है, हमेशा ग्रेड और रिजल्ट प्राप्त करने के लिए और ये जानने के लिए कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ. और यहाँ पे क्या होता है, इंप्रूवमेंट को और अच्छा बनाने के लिए और इंप्रूव करने के लिए और क्या, सुधार करने के लिए. ठीक है,
अब आइए देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? जब लास्ट में आप समेटिव इवैल्यूएशन करेंगे तो कुछ बच्चों का रिजल्ट खराब होगा और कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा होगा। तो डायग्नोस्टिक का मतलब हो जाए तो टू फाइंड द रीजन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है, कभी कभी इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी पूछ लेता है, तो डायग्नोस्टिक का मतलब ही होता है कि टू फाइंड द रीजन। अब आइए देखते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज द कंसर्न विद द इवैल्यूएशन ऑफ अ पीपल लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। क्या मतलब भाई? उनके लर्निंग में जो भी डिफिकल्टीज आई है उसको फाइंड आउट करना। अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज, आप यहां पे देखिए, इट यूज टू डायग्नोज और टू रिवील एन इंडिविजुअल वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इन सर्टन कोर्स ऑफ स्टडी। आपको ये रिवील करना है कि एक इंडिविजुअल में क्या कमी और क्या उसकी मजबूती है एक सर्टन कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। अब देखिए, इट ट्राइज टू डिस्कवर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ वीकनेस, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया वीकनेस को डिस्कवर करता है ऑफ अ स्टूडेंट इन अ गिवन कोर्स ऑफ एंड देन सजेस्ट अ रेमेडियल मेजर्स। क्या कहता है भाई? उस कमी को प्राप्त करके उसको सुधार करने की बात करता है डायग्नोस्टिक में। डायग्नोस्टिक में हमेशा रीजन फाइंड आउट किया जाता है कि बच्चा क्यों असफल रहा। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर डिजाइन टू एनालाइज इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द केस ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। ये हो गई डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात। अब बात करते हैं ग्रामर क्या है। देखिए, द ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल विच टीच अस टू स्पीक रीड राइट एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज करेक्टली। आप आसान शब्दों में अपने हिंदी में व्याकरण कैसे पढ़ाता है? व्याकरण वह ज्ञान या वह विद्या है जो भाषा को शुद्ध लिखना बोलना समझना सिखाती है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है कि ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल विच टीच अस टू स्पीक रीड राइट एंड अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज करेक्टली। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्वीट ने क्या कहा था? ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट्स एंटोनॉमी। इसका मतलब ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ किसका? ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट्स एनाटोमी। एनाटोमी का मतलब होता है इसकी संरचना। तो ग्रामर क्या है भाई? ग्रामर एक प्रायोगिक विश्लेषण है भाषा और उसकी संरचना का। अब आइए बात करते हैं टीचिंग मेथड कितने होते हैं। तो ग्रामर के चार टीचिंग मेथड होते हैं। कौन कौन सा? डिडक्टिव, इसको ट्रेडिशनल कहते हैं, इंडक्टिव, इसको इनफॉर्मल कहते हैं, और इंडक्टिव डिडक्टिव और एक इंसिडेंटल मेथड। इसकी स्पेशली एक वीडियो बना दी गई है दोस्तों टीचिंग ग्रामर पे, उस पर देख लीजिएगा। अगर आपसे टाइप्स ऑफ पूछता है तो आप इसको बस ध्यान में रखिए। अब आइए देखते हैं कि पोएट्री क्या होती है अंग्रेजी में। तो पोएट्री क्या होती है? आपने देखा जॉनी यस पापा, आप इसको राइम में पढ़ते हैं, ठीक है, एक रिदम, एक म्यूजिक, एक सॉन्ग की तरह इसको पढ़ते हैं, इसी को पोएट्री कहा जाता है। पोएट्री इज द टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स का इंटरप्ले एंड द राइम। समझ में आ गई बात? ठीक है, द पोएट्री इज द टाइप्स ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ द वर्ड एंड राइम। इट ऑफन इम्प्लॉयज राइम। इन पोएट्री वर्ड्स आर स्ट्रंग टूगेदर टू फॉर्म साउंड, इमेजेस एंड आइडिया दैट माइट बी टू कॉम्प्लेक्स और अब्स्ट्रैक्ट टू डिस्क्राइब डायरेक्टली। ओके दोस्तों, तो जब भी बात पोएट्री की बात होगी तो क्या बात होगी भाई? पोएट्री क्या है? आपकी भावनाओं को, आपकी इमेजिनेशन, आपके आदर्शों को एक लिखित वे में बताने का तरीका है, ठीक है। तो पोएट्री में क्या होता है भाई? एक राइम होता है, ए वर्ड्स का इंटरप्ले होता है, और क्या होता है भाई, एक साउंड्स होता है, स्ट्रॉन्ग साउंड्स होता है, इमेजिनेशन और आइडियाज होता है, जो कि डायरेक्टली बताना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो ये हो गई पोएट्री। अच्छा, पोएट्री में याद रखिएगा, पोएट्री में पैसेजेस नहीं होते, पोएट्री में स्टेंजा होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, व्हाट इज प्रोज? प्रोज क्या है? प्रोज को डायरेक्टली मतलब, प्रोज इज ऑर्डिनरी लैंग्वेज दैट फॉलोज रेगुलर ग्रामेटिकल कन्वेंशंस, ठीक है, एंड डज नॉट कंटेन अ फॉर्मल मैटेरिकल स्ट्रक्चर। देखिए, दिस डेफिनेशन ऑफ अ प्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोज राइटिंग एज इज मोस्ट ह्यूमन कन्वर्जेशन टेक्स्ट बुक, लेक्चर्स, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, फेयर टेल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल। तो कहने का मतलब, जो स्टोरी टेलिंग, टेक्स्ट बुक्स, लेक्चर, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, फेयर टेल्स, न्यूज़पेपर, ये सारे प्रोज फॉर्म में होते हैं। ये क्या है भाई? ये डायरेक्ट मेथड ऑफ कन्वेंशन है। इसमें डायरेक्टली ग्रामेटिकल रूल से आप मैसेज को डिलीवर करते हैं। इसमें कोई राइम नहीं होता, इसमें पैसेजेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, और पोएट्री में क्या होता है? स्टेंजा होता है। तो ये हो गई प्रोज और पोएट्री। इसमें कभी भी अंतर भी पूछ देता है, ठीक है।
आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं कुछ मेथड ऑफ़ टीचिंग इंग्लिश की। तो मेथड ऑफ़ टीचिंग इंग्लिश में सबसे पहले देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है। आप इंग्लिश को, अगर आप इंग्लिश को डायरेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं तो उसको डायरेक्ट मेथड ऑफ़ इंग्लिश टीचिंग कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका कहने का मतलब। आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाइए, अक्सर कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ाया जाता, डायरेक्ट मेथड इंग्लिश टू इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है भाई। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली यूजिंग टारगेट लैंग्वेज। हियर द टारगेट लैंग्वेज इज इंग्लिश। कहने का मतलब है टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली यूजिंग टारगेट लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश टीचिंग डायरेक्टली इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अ टीचर डज नॉट यूज अ मदर टंग इन द क्लास, नहीं यूज कर सकता, अपनी मातृभाषा को नहीं यूज कर सकता। नॉर आर द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू यूज, और ना ही बच्चे अलाउड हैं अपनी मदर टंग को इस्तेमाल करने के लिए। दिस मेथड इज टोटली इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ अ ट्रांसलेशन मेथड। ये टोटली क्या होता है भाई, ट्रांसलेशन मेथड का कॉन्ट्रास्ट होता है, उल्टा होता है। अब आइए, अगर डायरेक्ट मेथड के एडवांटेज पूछे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि जब इंग्लिश को इंग्लिश में ही बोलेंगे तो कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी, ठीक है। इंग्लिश थिंकिंग की थिंकिंग डेवलपमेंट होगा, कम्युनिकेशन पावर अच्छा होगा, इंग्लिश के बारे में प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ठीक होगा, तो इसके बारे में एडवांटेज लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश डायरेक्ट मेथड का डिसएडवांटेज पूछता है तो नॉट हेल्पफुल फॉर ऑल द एरियाज, सभी जगह के लिए उपयोगी नहीं है, स्किल्स टीचर रिक्वायर्ड होता है, टेकिंग लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेज हो गए। कहने का मतलब जब आप इंग्लिश को डायरेक्टली इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, हिंदी का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी मदर टंग यूज़ नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्ट मेथड होता है। अब आइए बात करते हैं कौन सा ट्रांसलेशन मेथड, इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे टोटली ऑपोजिट है, इसीलिए तो कहा गया है कि डायरेक्ट मेथड इज़ अ टोटली कॉन्ट्रास्ट ऑफ द ट्रांसलेशन मेथड। क्यों भाई, क्यों कॉन्ट्रास्ट है? क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड में आप एज इट एज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देंगे अपने मदर टंग में। देखिए, ट्रांसलेशन मेथड इज द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इन दिस मेथड द इंग्लिश टीचर ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इंग्लिश इनटू द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब इंग्लिश को स्टूडेंट्स के मदर टंग में ईच एंड एवरी वर्ड्स फ्रेज और सेंटेंस को ट्रांसलेट करके पढ़ाना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या केवल ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। It explains the grammatical rules, therefore it gives connect knowledge of English. कहने का मतलब ये पहले ग्रामर रूल पढ़ाता है और फिर ट्रांसलेशन के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। It helps in having better, clear understanding of a word meaning. कहने का मतलब है आसानी से और क्लियर वर्ड मीनिंग आता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे भाई, ये छात्रों के लिए इंटरेस्टिंग होता है, बहुत आसानी से समझ जाते हैं, कम समय लगता है, ठीक है, और एवरेज टीचर भी इस चीज़ को कर सकता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है भाई, जब आप हिंदी से इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन पावर ख़राब हो जाएगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश का आप मेन ऑब्जेक्टिव्स आप नहीं निकाल पाएंगे। और इसमें एक और डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि स्टूडेंट हिंदी में तो ज़्यादा फोकस करेंगे लेकिन इंग्लिश टीचिंग में कम फोकस करेंगे। तो आपके इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप स्वयं लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं बाइलिंगुअल। देखिए, अब बाइलिंगुअल हमने डायरेक्ट में क्या पढ़ा, इंग्लिश को इंग्लिश में, ट्रांसलेशन को क्या पढ़ा, इंग्लिश को दूसरे लैंग्वेज में। अब बाइलिंगुअल का मतलब दोनों यूज करके, नहीं समझ में आया? अब देखिए कैसे, सबसे पहले तो प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने सबसे पहले इसको इसका प्रतिपादन किया था। द बाइलिंगुअल मेथड इज रिसेंटली डेवलप्ड एंड इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर सीजे डॉटसन ऑफ वेल्स। ओके, द बाइलिंगुअल मेथड मींस अ मेथड इन विच टू लैंग्वेज, दैट इज द लैंग्वेज टू बी टॉट, आर यूज्ड। अब आइए, इट इज़ यूनिक मेथड विच इज़ द मिडवे बिटवीन द टू ओल्ड मेथड ट्रांजेक्शंस कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ये क्या भाई, इट इज़ अ मिडवे बिटवीन डायरेक्ट मेथड एंड ट्रांसलेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है, इन द बाइलिंगुअल मेथड द इम्फेसिस इज ऑन द पैटर्न ऑफ अ प्रैक्टिस मदर टंग इज यूज टू मेक मीनिंग ऑफ अ इंग्लिश वर्ड। कहने का मतलब ये है कि आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाएंगे मगर आप हिंदी में समझा सकते हैं, ठीक है। हिंदी में समझाएंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे। आइए थोड़ा अंतर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे नाम, किसी ने यहाँ पर लिखा है जेन सर टीच अस वेरी वेल, ये इंग्लिश में आपने पढ़ाया है, जेन सर टीच्स अस वेरी गुड, ठीक है। अब ट्रांसलेशन मेथड में अगर आप पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, जेन सर को सर लिख दिया, टीच्स अस का मतलब हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये टोटली क्या हो गया, ये टोटली ट्रांसलेशन मेथड हो गया, जहाँ पे आपने टोटली ट्रांसलेट कर दिया अपनी मदर टंग में कि जेन सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये हो गया ट्रांसलेशन मेथड। बाइलिंगुअल मेथड का मतलब सेम चीज़ को अगर हमें पढ़ाना हो तो हम कहेंगे
कि व्हाट डज द सर डू, या फिर हम कहेंगे सर क्या करते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे कि पढ़ाते हैं। हाउ डज ही टीच, सर कैसा पढ़ाते हैं, वेरी गुड। तो हमने दोनों शब्द, दोनों चीज़ें इस्तेमाल करी, अपनी मदर टंग इस्तेमाल करी, लेकिन ट्रांसलेट नहीं किया। कहने का मतलब है जब आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाएंगे लेकिन एक्सप्लेन अपने मदर टंग में करेंगे, केवल एक्सप्लेन करेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तो वो होता है बाइलिंगुअल मेथड। ओके, अब आइए दो तीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कॉम्पोजिशंस क्या होता है? कॉम्पोजिशन आपको सब चीज़ें पता है कि कमा का यूज़ कहाँ करना है, बड़े लेटर का यूज़ कहाँ करना है, इन सारी चीज़ों का सही अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, कॉम्पोजिशन कहलाता है। तो कॉम्पोजिशन इज़ फॉर डेवलपिंग लॉजिकल। ओके, इट मीन्स कंपोज आइडिया इन लैंग्वेज, ठीक है, इन द वे इन विच समथिंग इज पुट टुगेदर और अरेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट मेकअप इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज का मेकअप मतलब सुधार करती है। इसका क्या मतलब, समथिंग पुट टुगेदर और अरेंज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पार्ट, समझ में आ रही बात, छोटी छोटी चीज़ों का अरेंजमेंट और अच्छी चीज़ों का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, कॉम्पोजिशन कहलाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर कहलाता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, अंग्रेजी में क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, अंग्रेजी किसका बना हुआ होता है, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर इज द टूल्स ऑफ अ लैंग्वेज सच एज वर्ड वोकैबुलरी साउंड्स स्ट्रेस साउंड स्ट्रेस राइम इनोशंस एक्सेट्रा। तो यही सारी चीजें क्या है भाई, इंग्लिश की स्ट्रक्चर होगी। यूजिंग दिस टूल्स द टीचर डेवलप द फोर फोल्ड स्किल्ड ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का फोर फोल्ड स्किल क्या होता है, डेवलप होता है, और स्टूडेंट का फोर फोल्ड स्किल क्या होता है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो अगर आपसे सवाल ये पूछ दे कि व्हाट आर द फोर फोल्ड स्किल्ड ऑफ अ इंग्लिश, वो आप कह सकते हैं रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये चार स्किल्स होते हैं। अब आइए खत्म करते हैं इस वीडियो को, पहले एक बार थोड़ी सी फोकस कर लेते हैं क्या व्हाट इज द ऑडियो विजुअल एंड टेक्नोलॉजी एड्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी एड्स क्या होता है, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी एड, टेक्नोलॉजी एड्स का मतलब आप साफ शब्दों में लिख दीजिए टीचिंग एड्स या टेक्नोलॉजी एड्स। ठीक है, तो भाई द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग इज कॉल्ड एज अ टीचिंग एड्स या टेक्नोलॉजी एड्स। देखिए, टीचिंग एड्स हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी, द टीचिंग वर्क बिकम इंटरेस्टिंग विद द यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल, along with this the knowledge at of fact is easily available to the student and trainee, teaching work can be very difficult to do without teaching material, but it is if teaching work is done using material then the teaching work is effective। तो ये हो गए टीचिंग एड्स के इस्तेमाल के फायदे। अब कितने टाइप्स के टीचिंग एड्स होते हैं, तीन टाइप के, कौन कौन से, ऑडियो एड्स, विजुअल्स और ऑडियो विजुअल एड्स। अब आइए विजुअल एड्स क्या होता है, देखिए, तो जब कोई भी आप एड या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसको बच्चे देख कर सीखते हैं उसको विजुअल एड कहते हैं। तो द इंस्ट्रक्शन मटेरियल और मीडियम दैट कैन बी सीन बट कैन नॉट बी हर्ड, जो केवल देखा जा सकता है, सुनाई नहीं दिया जा सकता, इज कॉल्ड एज अ विजुअल मटेरियल। इट इज़ अ टू टाइप्स, कौन कौन सा, प्रोजेक्ट टेड विजुअल और अनप्रोजेक्टेड विजुअल। प्रोजेक्टेड विजुअल का मतलब जिसके अंदर कोई मूवमेंट होता हो, अनप्रोजेक्टेड मतलब जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता हो। अब प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स कौन सा हो गया भाई, प्रोजेक्टेड विजुअल एड का मतलब हो गया आप जैसे कि आप कौन सा आपका इसका प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है भाई, आप मान लीजिए क्या कहते हैं उसको, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर आप देखेंगे उसके अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स भी यही होता है, मॉनिटर भी ले सकते हैं आप, स्लाइड करके जो पढ़ाते हैं आप वो भी दे दीजिए, प्रोजेक्टेड है। अनप्रोजेक्टेड का मतलब जो दिखाई तो देते हैं मगर उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, मतलब आप चार्ट पेपर से पढ़ाएंगे तो वो दिखाई देगा मगर उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई फिगर या फोटो देख के पढ़ाएंगे वो दिखाई तो देगा मगर उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें दिखाई देती हैं और सुनाई नहीं देती हैं उसे विजुअल एड्स कहते हैं। अब बात करते हैं ऑडियो एड्स, ऑडियो एड्स का मतलब वह टीचिंग मटेरियल्स जो सुनाई तो देते हैं मगर दिखाई नहीं देते हैं, तो वो कौन से होते हैं, ऑडियो एड्स। द एड्स विच आर यूज इन द टीचिंग सिस्टम बाई लिसनिंग आर कॉल्ड ऑडियो मटेरियल, और द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल विच कैन बी हर्ड एंड अंडरस्टूड इज कॉल्ड ऑडियो मटेरियल, ऑडियो एड्स भी कहा जा सकता है। मतलब रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये क्या है, सुनाई तो देते हैं मगर दिखाई नहीं देते। अब ऑडियो विजुअल क्या होता है भाई, ऑडियो जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे वो होते हैं ऑडियो विजुअल, कौन कौन से, टेलीविजन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, तो ये सारी चीज़ें ऑडियो विजुअल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेस्ट इन इंग्लिश, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट और स्किल्ड टेस्ट। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। अब देखिए ये जो भी छोटे छोटे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों,
मेरी ये कोशिश थी कि आपको समराइज कर दें एक जगह पे। इसके अलावा भी जितने क्वेश्चंस हैं आप देखिए, मगर उम्मीद करते हैं कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा अब आपको एग्ज़ाम में लिखने में। अब आखिरी में एक रिक्वेस्ट करूंगा और एक सच्चाई बताऊंगा आपको। देखिए सच्चाई यही है कि आपने क्या पढ़ा है आप नहीं लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसे आप रट के नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि एक ही वीडियो में मैं आपको समझा दूं, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे तो आसानी से ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये छोटे पॉइंट्स थे जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद, डिस्कस करने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती है। इसके अलावा भी जो भी पॉइंट्स हैं वो आप अपनी किताबों से पढ़िए, मगर इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको समझ तो आ गया कि चीजें होती क्या हैं। अब प्लीज दोस्तों, कल आपका एग्जाम है, आपसे मतलब रिक्वेस्ट है, बहुत ही तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल सर पे है एग्जाम्स। मैं माफी चाहता हूं ये वीडियो बनाने में काफी देर हो गया, लेकिन प्लीज अभी भी कुछ घंटे बचे हैं, तो सारे ग्रुप में सारे दोस्तों के बाद प्लीज 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 शेयर कर दीजिए, शायद आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इस पूरे प्रकरण का पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक होगा जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे क्लिक करिए और भी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड आपको पीडीएफ वहां पे मिलते रहेंगे। तो ये जो भी मैंने पढ़ाया उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कैसी लगी ये सारी जानकारी। और प्लीज़ 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 एक दोस्त को किस अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने यूनिवर्सिटी ग्रुप में, जहां भी आप जिस भी ग्रुप में हैं, ये इंग्लिश वाले बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए, ताकि उनका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी और भी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी, सेकेंड ईयर की वीडियोज मिलेंगी, चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।